teacher revise ho gaya. Let's start today's lecture. Today we are going to start the 12th lecture and the topic of our lecture is vitamin D. So hum aaj vitamin D ko dekhenge ki ye kaise gene expression ko regulate karta hai. Contents of the lecture includes different forms of vitamin D, synthesis of vitamin D. You are going to study about type 1 rickets and gene expression and therapeutic effect of vitamin D. ठीक है, अब जितने भी आप न्यूट्रोजेनोमिक्स के लेक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें स्पेसिफिकली हम न्यूट्रिएंट इफेक्ट देख रहे हैं ऑन जीन एक्सप्रेशन, तो इसका फॉर्मेट यही है. सबसे पहले थोड़ा सा आप जो भी वाइटामिन होगा उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किन फॉर्म्स में वो प्रेजेंट है, उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस से क्या होता है. इसके बाद हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन को वो कैसे रेगुलेट कर रहा है और स्पेसिफिकली कौन कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने में ये रोल प्ले कर सकता है. तो हम विटामिन डी में स्पेसिफिकली टाइप 1 रिकेट्स को आज डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी. सो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी स्टार्ट्स बाय अब्सॉर्बिंग द यूवी रेडिएशंस वाया द स्किन थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. Series of biochemical reactions and body converts the vitamin D into 25 hydroxy vitamin D. And this 25 hydroxy vitamin D is then converted into an activated form which is known as 1 alpha 25 dihydroxy vitamin. ठीक है, अब ये synthesis जो है आप लोगों को already पता है. ठीक है, vitamin D जो है हम UV radiations जब skin के ऊपर act करती हैं वो कन्वर्ट करती हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को इनटू एन एक्टिवेटेड फॉर्म, और ये लिवर से जाके जब किडनी में जाता है तो तब जाके ये एक्टिवेट होता है. और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैल्सिट्रायोन. सो एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है और उसको हम क्या कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि सिंथेसिस जो है वो कैसे होता है, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या है. So after the activation from circulation, vitamin D goes into the intestine, bones, and immune system. So in this way, it plays the role in different body functions. अब आपको ये flow chart नजर आ रहा है, ठीक है? Sun light से, UV radiation से जो 7D hydrocholesterol है, which is also known as pre-D3. ये जो है जब blood में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद भी जब लिवर में जाता है ये कन्वर्ट होता है इनटू 25 हाइड्रोक्सी. ठीक है, और 25 हाइड्रोक्सी के बाद ये किडनी में जाके एक्टिवेट होता है एंड दिस एक्टिवेटेड फॉर्म इज नोन एज 1 alpha 25 dihydroxy विटामिन डी, और इसकी इसको हम कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं. सो जब एक बार ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर ये इसके बाद बॉडी में डिफरेंट रोल्स प्ले करेगा, जैसे कि इंटेस्टाइन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बोन्स में ये रोल प्ले करता है, और इम्यून सेल्स में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. सो यूवी रेडिएशन के साथ हम विटामिन डी जो है वो डाइट के थ्रू भी लेते हैं. ठीक है, डाइटरी सोर्सेज भी हैं विटामिन डी की जो कि आगे ब्लड में जाके लिवर से किडनी में एक्टिवेट होगा. सिंथेसिस का और एक्टिवेशन का प्रोसेस यही है. सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, एक यूवी रेडिएशन और एक डाइट. सो बेस्ड ऑन दी सोर्सेज हमारे पास विटामिन डी जो है वो टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. वी हैव एर्गोकैल्सिफेरॉल व्हिच इज आल्सो नोन एज विटामिन डी टू एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. देन अनदर फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज पॉलीकैल्सिफेरॉल एंड दिस इज नोन एज विटामिन डी थ्री and it is produced by the animal tissues or by the action of UV light on the 7-dihydrocholesterol in the human skin. So जो दो forms हैं vitamin D की वो differentiate करती हैं on the basis of their origin. एक plant origin है और एक आपके human tissues में वो बन रही है, और जैसे UV radiations आपकी skin में act कर रही हैं और इसके बाद वो activate हो रहा है, और इसके बाद जो activated form है वो आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ रही है, इट इज 1 alpha 25 dihydroxy विटामिन डी. सो विटामिन डी आप देख सकते हैं लिवर में प्रेजेंट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की फॉर्म में, किडनी में जाके वो एक्टिवेट हो जाता है
दिस इज बेसिकली एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी किडनी के साथ साथ मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस में भी, यानी जो कि इम्यून सेल्स हैं, उसमें भी एक्टिवेट होता है. और डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट हेयर, कोलन, लंग्स एंड केराटिनोसाइट्स, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ऑर्गन्स कैन ऑल्सो एक्टिवेट दी विटामिन डी. जो ये एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी की, ये डिफरेंट रोल प्ले करी आपकी बॉडी में. और ये आगे गिवन है सच एज कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी. इट ऑल्सो प्रमोट्स दी मसल हेल्थ, बोन हेल्थ, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, न्यूरो डेवलपमेंट, इम्यूनो मॉड्यूलेशन. तो ये सारे इसके बेसिक रोल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि ये परफॉर्म कर रहा है एक्टिवेटेड विटामिन डी. अच्छा, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स जो हैं वो इम्यून सेल्स की टाइप हैं, और इसमें विटामिन डी जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन फंक्शन करता है, जैसे कि ये प्रिवेंट करता है ऑटो इम्यून डिजीजेस को. एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स दी इन्वेडिंग पैथोजन, यानी जो जिन जिससे इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनको भी ये प्रिवेंट करता है विटामिन डी. के साथ साथ विटामिन डी जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स में भी सिंथेसाइज और एक्टिवेट होते हैं. और उसमें जो है विटामिन डी का ये रोल होता है कि ये सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है. सो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन डी कौन कौन से ऑर्गन्स और सेल्स में एक्टिवेट हो सकता है और इसका मेन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है. देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू द डेफिशिएंसी. अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत कॉमन डेफिशिएंसी है. स्पेशली हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमन है. अब देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है. नंबर वन इज द स्किन कलर. अब स्किन में जो मेलानिन एक पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट है, नेचुरल स्किन पिगमेंट है. इट हैज द एबिलिटी, इट रिड्यूसेस द स्किन्स एबिलिटी टू मेक द विटामिन डी. सो मेलानिन अगर किसी की स्किन में ज्यादा होगा तो विटामिन डी का सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा. सो स्किन कलर और द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन योर स्किन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हिच लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. देन सनलाइट एक्सपोजर. अब हम सब जानते हैं कि विटामिन डी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना, वो सनलाइट है. अब सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. एक्सपोजर में जो है वो ड्यूरेशन भी आ जाएगा और इसके अलावा टाइम ऑफ द एक्सपोजर भी आएगा, यानी किस कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आप सन से एक्सपोज होगे वो डायरेक्टली सिंथेसाइज करेगा विटामिन डी आपकी बॉडी में. देन लास्टली वी हैव डाइटरी फैक्टर्स व्हिच आल्सो लीड्स टू द डेफिशिएंसी. और रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी इंक्लूड्स ऑयली फिश. देन वी आल्सो हैव फोर्टिफाइड मील्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स. क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, इसलिए मार्केट में फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. फोर्टिफाइड मिल्क भी अवेलेबल है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल भी अवेलेबल होते हैं. तो हम डिफरेंट फूड सोर्सेज के थ्रू इसकी डेफिशिएंसी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक जो कि आ जाता है कि आपका इसका जीन एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा. विटामिन डी जो है वो जीन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली रेगुलेट करती है. ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए. जब भी पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि वो डायरेक्टली रेगुलेट कर. ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे करता है. बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट है जिसका नाम है BBR. BBR शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है विटामिन डी रिसेप्टर जीन्स, यानी वो जीन्स जो कि डायरेक्टली विटामिन डी अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा तो एक्सप्रेस होंगे. BDR genes, vitamin D receptor genes, they need vitamin D for their expression. अब ये जो genes हैं, ये आगे translate होंगे into the BDR proteins.
जीन्स जो है वो आगे जाके प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होते हैं और ये प्रोटीन्स जो है वो फर्दर आपकी बॉडी के अंदर रोल प्ले करती हैं. सो VDR प्रोटीन्स जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड बाय द VDR जीन. और VDR प्रोटीन की एक एग्जांपल जो है, चले एग्जांपल्स मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, स्लाइड्स लिख लेते हैं. कैल्सिट्रायोल बाइंड्स टू द VDR प्रोटीन विच इज इनकोडेड बाय द VDR जीन एंड इट हेल्प्स टू ट्रीट द कैल्शियम डेफिशिएंसी. कैल्सिट्रायोल क्या, व्हाट इज कैल्सिट्रायोल? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी. सो विटामिन डी जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ये VDR प्रोटीन का और VDR जीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है? सो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है वो VDR जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगी और ये जीन जो है वो फर्दर ट्रांसलेट हो रही है VDR प्रोटीन में और ये प्रोटीन जो है वो फिर आगे जाके कैल्शियम अपटेक और मिनरल अपटेक में रोल प्ले करेंगे. So VDR protein is expressed in most tissues of the body and they act to regulate the mineral uptake, particularly the calcium and iron and other minerals in the intestine. ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर VDR genes हैं जो कि vitamin D के ऊपर dependent होते हैं और ये आगे जाके VDR proteins में translate होंगे और ये प्रोटीन्स जो हैं वो फिर आगे जाके मिनरल अपटेक और स्पेसिफिकली कैल्शियम और आयरन के अपटेक में रोल प्ले करती हैं, ठीक है? लास्ट जो विटामिन के का चैप्टर था उसमें हमने VKD प्रोटीन्स पढ़ी थी, विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स. इसी तरह विटामिन डी में जो है वो विटामिन डी रिसेप्टर प्रोटीन्स है, VDR जीन्स, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना. सो वन लाइन में मैं समराइज करूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे विटामिन डी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा. सो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज कैल्सिट्रायोल, इट विल बाइंड विद द VDR जीन, विटामिन डी रिसेप्टर जीन, लीडिंग टू द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स, विटामिन डी रिसेप्टर प्रोटीन्स सच एज कैल बाइंडिंग. अब ये जो कैल बाइंडिंग है ये VDR प्रोटीन का इसकी एक एग्जाम्पल है. और ये जो कैल्बाइंडिन है ये मेन रोल प्ले कर रही है आपके कैल्शियम अपटेक में और बोन मिनरलाइजेशन. कैल्सिट्रायोल बाइंड्स टू द VDR रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड एंड इनिशिएट्स द जीन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज कैल्बाइंडिन. विटामिन डी डिपेंडेंट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन एंड किडनी are found in the chicks and mammals. So mammals or chicks के अंदर specifically ये VDR proteins का expression होता है और ये cell binding का expression होता है जो कि protein को carry कर रहा होता है, sorry calcium को carry कर रहा होता है और ये एक protein है. These transport proteins shuttle the calcium across the intestinal wall and also hold the calcium in the blood stream for the later use. All right. तो ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन हुआ है कि कैसे कैल्बाइंडिन जो है वो कैल्शियम की रेगुलेशन कर रहा है और बोन मिनरलाइजेशन में और रोल प्ले कर रहा है. एनी क्वेश्चंस, समझ आ गई है? हाँ जी, अच्छा आवाज भी आ रही है कि नहीं? आ रही है मैम. ठीक है जी, हम बात कर रहे थे VDR proteins की. तो VDR proteins जो है they are also known as calcium binding proteins क्योंकि ये calcium की transport में एक important role play करती है. और अब आपके सामने जो है वो three different type of calcium binding protein की example है. We have calbindin, calretinin and S100G protein. ये सब प्रोटीन्स के नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं. तो VDR प्रोटीन्स की अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं या आपसे ये पूछूं कि इनका बॉडी में क्या रोल है तो आप मुझे बताएंगे कि VDR प्रोटीन्स जो हैं वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती हैं
और उसके एग्जांपल में हमारे पास कैलरेटिनिन है, कैलबाइंडिन है और S100G प्रोटीन आ जाते हैं। कैलरेटिनिन जो है वो नर्वस टिश्यूज और न्यूरोनल सेल्स में जो है सिंथेसाइज होता है, कैलबाइंडिन जो है वो इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइनल सेल्स में जो है वो सिंथेसाइज होता है, एंटीरोसाइट्स जो होते हैं, और S100 प्रोटीन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और कैल्शियम के अपटेक को रेगुलेट करता है। अब जहाँ पे हम जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे आ जाते हैं BDR पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये जो हमारे जीन्स है इनका पॉलीमॉर्फिज्म हो जाए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? वेरी गुड, ठीक है। अगर म्यूटेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1% से ज्यादा हो जाए हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और ये जो है पॉपुलेशन का एक ट्रेट बन जाता है। अब ये जीन है VDR जीन जो है वो विटामिन डी रिसेप्टर जीन है। अब जीन्स में पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है। सो VDR जीन पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी कॉमन एंड अ नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द VDR जीन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ VDR प्रोटीन्स। अगर इस जीन का पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो ये जो प्रोटीन्स है इनकी एक्टिविटी जो है इफेक्ट होगी, यानी कि ये जो तीनों प्रोटीन्स कैल्शियम बाइंडिंग रोल प्ले कर रही थी और कैल्शियम के अपटेक को रेगुलेट कर रही थी आपकी बॉडी के अंदर, वो इफेक्ट होगा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। जो आप लोगों को ये पिक्चर नजर आ रही होगी क्रोमोसोम की, सो ह्यूमन VDR जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है और उसके डिफरेंट क्लासेस हैं, ये बेसिकली डिफरेंट एलील्स के ऊपर इसकी पोजिशन डिस्कस की गई है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन VDR जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। चलें अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर विटामिन डी रिसेप्टर जीन का पॉलीमॉर्फिज्म हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कौन कौन से डिजीजेस होंगे और न्यूट्रिशन उसमें क्या रोल प्ले करेगा। So there are several studies which have shown that shorter VDR protein are produced by the presence of the FOC1C allele and it is more transcriptionally active. This increased activation of vitamin D receptor genes result in a greater uptake of the calcium from the intestine, which was shown to increase the bone density. So jab VDR genes ka polymorphism hoga, सो VDR जीन्स जो है वो नंबर में इंक्रीज करेंगे और बॉडी के अंदर जो कैल्शियम अपटेक है वो ज्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम अपटेक इंटेस्टाइन से ज्यादा हो जाएगा तो बोन डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इफ टू मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड, एक्सेसिव और इररेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैन अकर। इन द हार्ट दिस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज एन इररेगुलर और रेसिंग हार्ट बीट। So as for cardiac health, VDR gene polymorphism lead to the racing of the heartbeat and heart palpitations. So ये एक adverse effect है polymorphism, VDR polymorphism का heart health पे। जब VDR gene का polymorphism होगा उसकी वजह से calcium blood में ज़्यादा हो जाएगा, और जब calcium blood में ज़्यादा हो जाएगा तो there will be an excessive and irregular muscle contraction, which will lead to the irregular and racing heartbeat, and this is known as heart palpitations. So one line mein agar hum isko summarize kare to VDR gene polymorphism jo hai wo heartbeat aur heart palpitations mein ko cause karta hai ya uska risk jo hai increase kar deta hai. Reason iski ye hai ki blood ke andar calcium jo hai wo excessive present hota hai, uski wajah se irregular muscle contraction. Alright, let's talk about, ठीक है बच्चों क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन डी पॉलीमॉर्फिज्म का क्या इफेक्ट होता है तो आप मुझे बताएंगे कि बोन मिनरलाइजेशन और बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसका हार्ट के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट है कि
हार्ट पेल्पिटेशन हो सकती है या रेसिंग ऑफ द हार्ट बीट हो सकती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन डी एंड इम्यूनिटी. जैसे आप लोगों को शुरू के लेक्चर्स में स्लाइड में आपने ये देखा था कि विटामिन डी जो है वो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस में एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन डी का कि ये डायरेक्टली आपके इम्यून सेल्स में एक्सप्रेस होता है. सो विटामिन डी रिसेप्टर इज एक्सप्रेस्ड इन ऑन वेरियस इम्यून सेल्स इंक्लूडिंग बी सेल्स, टी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. Its highest concentration is in immature immune cells of the thymus and mature lymphocytes. These cells can synthesize active vitamin D metabolite, which can act in an autocrine way. Now, what is autocrine? Basically, it is a mode of hormone action to which hormones bind to the receptor onto the cell and affects the cell that produces it. For example, growth factors that stimulates the cell division. So, बात ये है कि vitamin D immune cells में active होता है, synthesize होता है और उन्हीं immune cells के ऊपर act भी करता है. So that process is known as या that mechanism is known as autocrine mode or autocrine action of the vitamin D. ठीक है, autocrine synthesis का भी नहीं है. Normal function. ठीक है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है कि विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यून सेल्स में या इम्यूनिटी को बूस्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और हम जीन लेवल पे अगर इसका एविडेंस देखें तो वो ये है कि VDR जीन टी सेल्स और बी सेल्स में उसका एक्सप्रेशन हो रहा है और इम्यून सेल्स में वो एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है और सिंथेसाइज होने के बाद वो उन्हीं T cells और B cells जो कि आपके immune cells हैं उनके ऊपर act कर रहे हैं autocrine way. So there is a research which says that vitamin D deficiency is associated with the autoimmunity and infection. In autoimmune diseases, the immune cells are responsive to the ameliorative effects of the vitamin D. अब ये ameliorative effect होता है कि उसका एक positive effect था. इम्यून सेल्स जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उसमें विटामिन डी का एक पॉजिटिव रोल है. उसका इम्यून सेल्स हैं वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहे हैं टू द विटामिन डी. और अगर बॉडी में किसी भी अगर किसी भी इंडिविजुअल को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें ऑटो इम्यूनिटी और इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम होने के चांसेस और रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं. मैकेनिज्म इसका ये है कि विटामिन डी जो है वो इनहिबिट कर रहा है बी सेल प्रोलिफरेशन को, ब्लॉक करता है बी सेल डिफरेंशिएशन को, सप्रेस करेगा टी सेल प्रोलिफरेशन को एंड इट विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट फ्रॉम टी हेल्पर सेल टू द टी हेल्पर सेल 1 टू द टी हेल्पर सेल 2 फिनोटाइप. अच्छा बच्चों, अब ये बात समझने की है कि ये जो लिखा हुआ है टी हेल्पर सेल 1 से टी हेल्पर सेल 2 फिनोटाइप में चेंज होता है, ये बेसिकली एक रिसर्च की फाइंडिंग है जिसने ये मैकेनिज्म देखा है कि ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो उनको ऑटो इम्यूनिटी और इन्फेक्शन हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो ये है कि टी हेल्पर सेल 1 से टी हेल्पर सेल 2 फिनोटाइप में शिफ्ट हो जाता है और टी हेल्पर सेल 1 जो है वो जनरेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इंटरनल पैरासाइट्स, यानी कि जो आपके इंटरनल फॉरेन बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देंगे जो कि ऑटो इम्यूनिटी में होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज में होता है. और टी हेल्पर 2 सेल्स दे जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल पैरासाइट्स, यानी जो कि एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि आ रहा है आपके बॉडी में जिससे इन्फेक्शन हो सकती है. तो ये देखा गया है कि जीन लेवल के ऊपर जब कोई इंसान विटामिन डी कंज्यूम करेगा तो उसका फिनोटाइप जो है वो ऑटो इम्यूनिटी से शिफ्ट हो जाएगा टू द इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन पे. ठीक है, जैसे कोरोना में आप लोगों ने बहुत ये देखा होगा कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन को बहुत स्टडी किया गया, रोल ऑफ विटामिन डी को स्टडी किया गया इन द इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. अगर हम जीन लेवल के ऊपर उसकी रीजन देखें तो वो ये है कि विटामिन डी
immune cells में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो इम्यून सेल्स हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं टू दी वाइटामिन डी, और इस तरह से उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द एक्सटर्नल पैरासाइट वो इम्प्रूव होता है विद दी प्रेजेंस ऑफ वाइटामिन डी इन योर बॉडी। और इसके साथ साथ आपको शुरू में मैंने स्लाइड में दिखाया था कि वाइटामिन डी जो है वो किडनी के साथ साथ इम्यून सेल्स के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे कि लंग्स में भी एक्टिव होता है। सो जब ये लंग्स के सेल में एक्टिवेट होगा, सो जो लंग इन्फेक्शन है जिसमें सेल ग्रोथ और स्पेसिफिकली इट रेगुलेट्स द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन द लंग्स। सो इस तरह से वाइटामिन डी को स्टडी किया गया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कि इट हैज अ पॉजिटिव रोल इन द प्रिवेंशन और इन द मैनेजमेंट ऑफ द इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी, और जैसे कोरोना वायरस जैसे डिजीज को भी प्रिवेंट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आप लोगों के लिए रिविजन के लिए है कि बी सेल्स और टी सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के फंक्शन में डिफरेंस होता है। टी सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करते हैं, बी सेल्स जो है वो इन्वेडर्स को अटैक करते हैं विच आर आउटसाइड दी सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि रिकेट्स टाइप 1 के बारे में आपको क्या पता है। बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाती है मैम। ठीक है, बेंडिंग ऑफ बोन्स हो गई। और बोर्ड लेग्स जी नबी, हाँ जी दोबारा बोलिए। मैम बोर्ड लेग्स हो जाती है इसमें रिकेट्स में। अच्छा, टाइप 1 रिकेट्स विटामिन डी जो है वो इन जीन्स को अफेक्ट करता है, इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, तो उसकी वजह से टाइप 1 रिकेट्स जो है मतलब जेनेटिक एविडेंस भी है। So renal synthesis of the 1,25-dihydroxyvitamin D from 25-hydroxyvitamin D is the rate limiting reaction. Overall rate of the reaction is depending on this. This is catalyzed by the enzyme which is known as 1-alpha-hydroxylase. अब ये जो enzyme है 1-alpha-hydroxylase, ये basically 25-hydroxyvitamin D को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जो टाइप 1 रिकेट्स है इसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये इस एंजाइम का सिंथेसिस आपकी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। सो ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन का मीनिंग ये है कि इस रिएक्शन के ऊपर, ओवरऑल इस रिएक्शन के ऊपर जो है डिपेंडेंट है वाइटामिन डी का फंक्शन और एक्टिवेशन। अगर ये रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो वाइटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक वाइटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा वो बॉडी के अंदर कोई भी रोल नहीं प्ले कर सकता, ना वो मिनरल अपटेक करेगा, ना वो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करेगा, ना वो इन्फेक्शन में को प्रिवेंट करने में रोल प्ले करेगा, ठीक है। और टाइप 1 रिकेट्स जो है वो क्या है, चलिए आपको बताती हूँ। टाइप 1 वाइटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1 रिकेट्स, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है VDDR1। It is an autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder means two copies of an abnormal gene must be present. VDDR gene is also referred to as 1-alpha-hydroxylase deficiency or pseudo vitamin D deficiency rickets. VDDR1 जो है वो एक autosomal recessive disorder है, यानी अगर two copies जो है वो present हो इस gene की इस disease की, तो उससे disease express होगा other generation में। और VDDR1 जो है इसको हम
वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं और सूडो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स भी कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज सूडो विटामिन डी या सूडो का मीनिंग क्या है? मैम इसके दो है ना आपने कहा है अभी, तो सूडो इसलिए क्योंकि ये रिसेसिव हो सकता है और आगे जाके डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन वो रहेगा जीन्स के ऊपर। सूडो का मीनिंग क्या है? सूडो का मतलब होता है कि फॉल्स। मैम जैसे समथिंग जो एक चीज और होती है, फेक होती है जो हमारे पास। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो एक्चुअली विटामिन डी के डेफिशिएंसी टाइप ऑफ रिकेट्स जो है वो एक्चुअली विटामिन डी के डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा, वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सूडो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? मैम दोबारा रिपीट करें। टाइप 1 रिकेट्स जो है वो एक्चुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा, वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, वो एंजाइम जो विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए हम टाइप 1 रिकेट्स को सूडो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से नहीं हो रहा, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रहा है। Okay, so VGDR1 is also known as 1-alpha hydroxylase deficiency or pseudo vitamin D deficiency rickets. Let's talk about the characteristics and features of this VGDR1. So इस disease में जो है वो different presentations होती हैं, symptoms होते हैं, जो important और common है it includes hypotonia. Hypotonia क्या होता है? What is hypotonia? मैम डिक्रीज मसल टोन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो मसल टो हाइपो मींस के कम होना और टोन टोनिया जो है वो टोन टोन से है, सो मसल टोन जो है वो कम हो जाती है, मसल वीकनेस होती है, ग्रोथ फेलियर एंड हाइपोकैल्सेमिक सीजर्स जो है वो भी ऑब्जर्व किए गए विद दी टाइप 1 रिकेट्स specifically in early infancy. जो ये type 1 rickets है, क्योंकि ये एक मैंने आपको बताया कि hereditary disease है, तो ये infants में भी present, infants में mainly infants में जो है वो diagnose होता है, और ये आपको सामने जो pictures नजर आ रही है present major, it is basically presenting a major feature of the neonatal hypotonia. और neonatal hypotonia जो है वो refer कर रहा है type 1 rickets को, और ऐसे बेबीज जिनकी वर्टिकल सस्पेंशन आप देख सकते हैं कि ये बेंडेड है, जिनकी वर्टिकल सस्पेंशन नहीं होती, उनके मसल्स इतने वीक होते हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लॉपी इन्फेंट्स। फ्लॉपी इन्फेंट्स भी इसको कहते हैं, न्यूनेटल हाइपोटोनिया भी कहते हैं, और होता इसमें यह है कि वर्टिकल सस्पेंशन नहीं होती है, बेंड होती है। मैम ये बाद में होगा इन्फेंट्स में या मतलब जेनेटिकली होगा? ये ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1 रिकेट्स जो है उसका एक कॉमन फीचर जो है वो मेजर फीचर जो है वो न्यूनेटल हाइपोटोनिया होता है, और ऐसे बेबीज को हम फ्लॉपी इन्फेंट्स भी कहते हैं, और बेसिकली इसमें जो मसल की टोन है वो इफेक्ट होती है और मसल वीकनेस होती है, सस्पेंडेड बेबीज होते हैं। इसके अलावा और भी प्रेजेंटेशन हैं जो कि इसमें होती हैं टाइप 1 रिकेट्स में, और ये इन्होंने डायग्नोसिस की एज लिखी गया मंथ्स में, आप ये देख सकते हैं कि अर्ली मंथ्स में या अर्ली एज में अर्ली इन्फेंसी में डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि ये हेरिडिटी है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाउल लेग्स है, सीजर्स है, फीमर फ्रैक्चर है, ठीक है, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए दो बातें कि ये जो है हेरिडिटी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है या बताना चाहिए। और इसके अलावा हम हाइपोटोनिया, न्यूनेटल हाइपोटोनिया को फ्लॉपी इन्फेंट्स भी कहते हैं।
और विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1 लिपिड्स के दो नाम है, एक सूडो विटामिन डी डेफिशिएंसी और वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ विटामिन डी इन कैंसर। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रिवेंट्स द कैंसर बाय सप्रेसिंग द ट्यूमर ग्रोथ, स्पेशली इन द प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया रिसर्चर्स में कि एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है वो कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है और स्पेसिफिकली जो ट्यूमर ग्रोथ है कैंसर में उसको सप्रेस करता है। ठीक है, ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई भी है एनिमल्स के ऊपर और उसमें देखा गया है कि जो कैल्सिट्रायोल है विच इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इट हैज एंटी प्रोलिफरेटिव pro apoptotic actions in the cancer cells. In this manner, vitamin D could limit the cancer progression or prevent it. So, ये दो properties हैं vitamin D के, कि एक तो anti proliferative है और एक pro apoptotic। अभी तक तो ये दो words तो आप लोगों को याद ही हो जाने चाहिए। जितने भी हमने nutrients पढ़े हैं उन सब में यही common mechanism है कि tumor growth को suppress करेंगे, cancer cells के proliferation को suppress करेंगे और apoptosis को प्रमोट करते हैं। और ये आर्टिकल का लिंक है, अगर आपने पढ़ना हो तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और रिसर्च हुई भी जो इस रिसर्च में ये देखा गया है कि जो विटामिन डी है इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नाउ व्हाट इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा? हेपेटो क्या होता है? व्हाट इज हेपेटो? मैम लिवर सेल्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिवर की सेल्स, लिवर सेल्स। कार्सिनोमा मींस कैंसर, कैंसर कॉजिंग। सो लिवर में जो कैंसर हो रहा है या लिवर कैंसर जो हो रहा है उसमें भी विटामिन डी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च विटामिन डी डेफिशिएंसी हैज बीन एसोसिएटेड विद द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। रिलेशनशिप ऑफ लो विटामिन डी लेवल्स विद द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड। सो ये देखा गया है कि जो कैल्सिट्रायोल है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन द एंटी इंफ्लेमेशन, एंटी प्रोलिफरेशन, प्रो डिफरेंशिएशन एंड प्रो एपोप्टोसिस। और इस इन फंक्शंस की वजह से ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो उसकी वजह से ये फंक्शंस नहीं होंगे और कार्सिनोमा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये देखा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज एसोसिएटेड विद द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो मिलते हैं आज का लेक्चर। जी मैम, मैम ये ऑटोक्राइन दोबारा बता दें। ऑटोक्राइन बच्चों, ऑटोक्राइन का मीनिंग ये है कि वो सेल्स जो कि उस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। मतलब उसका जो रोल है या फंक्शन है वो उन्हीं सेल्स के ऊपर है जिससे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो विटामिन डी जो है वो इम्यून सेल्स में एक्टिव होता है, सिंथेसाइज होता है, और इसके बाद जब वो एक बार सिंथेसाइज होता है वो उन्हीं इम्यून सेल्स के ऊपर एक्ट भी करता है इम्यूनिटी को प्रिवेंट, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने में और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। ठीक है,